खैर मैं जिक्र कर रहा सी, काजी साहब खड़े संबोधन कीता वजीर खान ने, वो कहता काजी क्या फरमाते हैं उलमाए दीन शरामती बीच इस मसले के ए दो काफर जादे जिनकी उम्र 6 और 8 वर्ष की है, इन्होंने कलमा मोहम्मदी पढ़ने से सरासर इनकार किया और भरे दरबार में हजरत मोहम्मद साहब की तोहीन की। इस मसले में शरीयत इस्लामिया का बच्चों के बारे में जो हुक्म है वो सादर फरमाया जाए। काजी ने क्या जनाब छोटे छोटे बच्चों उत्ते अते किसी और अबला उपर फतवा अहद करना इस्लाम धर्म इस गल की इजाजत नहीं दिंदा। वजीर खान ने कहा ठीक है, इन्हां दे बाप ने इन्हां बच्चों ने सरकार दे उपर विरुद्ध बगावत की है, बागी नूं फतवा नहीं सुनाया जाएगा, होर की होएगा। खैर वजीर खान का हुक्म हलके काजी ने फतवा तैयार किया है। वजीर खान की कचहरी अंदर हजार हां लोग बैठे सन, अपने दिल च कियास लगा रहे सन कि इन्हां निके निके मासूम बच्चों नूं प्राप्त करने वास्ते मापे खूहां विच जाल पाउंदे है, कई तरह के जफर जालदे है, फिर जाके किते दुनिया का मिठा मेवा भागा वाले पुरशां नूं प्राप्त हुंदा है। उस मां बाप के दिल से की गुजरती होएगी जिस मां ने इन्हां चंदा नूं जन्म दिता है। अज बेईमाना ने पता नहीं किस तरह का भयानक फतवा सुना के इन्हां नालां उत्ते की कहर गुजारना है। जिहड़े दर्दमंद लोग सन वो अपने दिल च अंदाजा लगा रहे सन। फिर की सी काजी ने फतवा तैयार किया, लोगों ने सह रोके हुए सन कि काजी साहब आउणगे इन्हां नालां नूं फतवा पढ़ के सुनाउणगे। लो जी काजी आया है, उसने फतवे की इबारत वाला कागज उपर नूं कीता है, लोग सुन लगे। काजी ने फतवा पढ़िया, वो कहता दोनों बच्चों को तारीम ते मुहम्मदी को बताया जाए और बार बार तबलीगे इस्लाम की जाए, वहां तक ये कलमा मुहम्मदी से पढ़कर जन्नत के हकदार बन जाए। अगर खुदा ना खास्ता ये शरीयत इस्लामिया को ना माने तो इन्हें भूखा प्यासा लाकर दीवार में चिनवाया जाए और ये सजा बरसरे आम दी जाए, ताकि आगे किसी सिर फिरे को कलमा मुहम्मदी से इनकार की जरूरत ना हो। तागीर की जाती है कि काजियों का मुतफका फैसला हर मुसलमान के लिए वाजिबुल इहतमाम है। फतवा पढ़ने वाले काजी का नाम मुइनुद्दीन नगौरी। फतवा पढ़िया गया दर्दमंद लोगों दे जिन्हां दे हिरदे विच खुदा दा खौफ सी, उन्हां दे कालजे तक थक करके वजन लगे, लोगों दीआं जबानां बंद पै गईआं। मलेर कोटे का सरदार उठिया है जिसका नाम है शेर खां मुहम्मद, उसने पाया गल च पल्ला, दोवें हाथ जोड़े दर्दमंदी आवाज नाल एक मुसलमान भाई साहबजादियां दे हक विच हा दा नारा हे ऐयो मारदा है।
किसान ने गरीब नवाज पातशाह दे होनहारा वास्ते हक विच हा दा नारा मारिया। साध संगत याद रखना, जिन्हां लोगों के दिल विच कौम दा जां छोटे छोटे बच्चों का जां समाज का जां मानवता का प्यार समोया होवे, ओ जदों भी कितें जुल्म हुंदा होवे तां चढ़दी कला की गल करदे। मलेरकोटले के नवाब ने कहा, जनाब अपने इस खतरनाक ते भयानक हुक्म नूं वापस लै लवो, क्योंकि तुहाडियां करनियां बेगुनाह सरहद निवासियों नूं भरनियां पैणगियां। जनाब इन्हां बच्चों नूं कतल करवाउणा चाहुंदे हो, इस तों पहलों हसन हुसैन की शहादत नूं याद करो। आप सरहद नूं करबला ना बनावो ते तुसीं यदीद ना बनो। याद रखना, इन्हां बच्चों की शहादत पिछे, इन्हां की कुरबानी पिछे गुरु अर्जन देव साहिब महाराज, गुरु तेग बहादुर साहिब जी की रूहानी शक्ति की पावर है। इन्हां बच्चों ने जित प्राप्त कर लेनी है, इन्हां की फतेह पिछे खंडे बाटे के अमृत की तस्वीर है। जनाब सियाने कहते ने, मोए हुए बकरे की खल ना लोहा भी भस्म हो सकता है। जे खुदा ने तुहानू चार दिन की पावर बख्शी है, इस शक्ति को प्राप्त करके इसका गलत इस्तेमाल ना करो। जे अज तुसी किसी के मासूम बच्चे को कतल करके इन्हों का खून धरती की छाती उत्ते डोलना चाहते हो, याद रखना जिस तरह का बीज कोई अपनी आत्मी हथा बीजेगा उसका फल उस भुगतना पवेगा। नहीं तो मेरे देश ने संसार ने एक गल शुरू तो लेके अज तक की देखी है और अजमाई है कि जेड़ा व्यक्ति जिस तरह का बीज बीजता है उसका फल उस अवच मिलेगा। विद्वाना की राय है, भोगे बिन भागे नहीं कर्म बली बलवान। महाराज बाणी विच फरमान करते हैं, जेहा बीजे सो लोने करमा संदला खेत। इस वास्ते जनाब याद रखना, जे ना मासूम बच्चों का पवित्र खून सरहद धरती की छाती उत्ते डुल गया, इन्हों मासूमां दे खून विचों इस तरह के जरासीम उठणगे जो बाजा का रूप धार के डारा दियां डारा बन के तुहाडे उत्ते चपट पैणगे और तुहाडा मास नोच नोच के दुनिया तो तुहाडा सफाया कर देंगे। जे रब ने पावर दिती है, इसका गलत इस्तेमाल ना करो।